जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेडकाइंड में। आज हम बात करेंगे थायरॉक्स टैबलेट के बारे में, किसका कंपोजिशन क्या होता है, किस किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है, कौन कौन सी कंपनियां इसको मैन्युफैक्चर करती हैं, क्या इसके यूज़ होते हैं, इसके कैसे इसको लेना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कब आई मीन ज़्यादा इफेक्टिव होगी यदि हम खाने के साथ लेंगे या खाने के बाद लेंगे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, इस कौन कौन से प्रिकॉशन हमें लेने हैं और इसके प्राइस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं थायरोक्सिन मेरे पास तीन डिफरेंट वेरिएंट में अवेलेबल है। आप देख सकते हैं थायरोक्सिन, यदि हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें थायरोक्सिन सोडियम होता है, ये 25 माइक्रोग्राम की है, ये 50 माइक्रोग्राम की है और ये 100 माइक्रोग्राम की है। इसी तरह इसमें डिफरेंट वेरिएंट और अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 12.5 भी होती है, 37.5 भी होती है। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वेरिएंट अवेलेबल होते हैं, बट मोस्टली 25, 50 या 100 ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है। अब डॉक्टर अब इसको कौन कौन मैन्युफैक्चर करता है, तो जो मेरे पास है उसको मैन्युफैक्चर किया है मैक्लॉयड फार्मास्यूटिकल ने, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है। इस तरह एबॉट भी इसको मैन्युफैक्चर करती है और बहुत सी कंपनियां हैं मार्केट में जो कि इसको मैन्युफैक्चर करती हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है आखिर। तो इसका यूज़ किया जाता है जब आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में थायरॉक्स कम आता है, तब उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जिसे कि हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब आपका थायरॉयड लेवल एक सर्टेन लेवल से कम हो जाता है बॉडी में, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करता है। और इसका क्या यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है इम्प्रूव द बॉडी एनर्जी एंड मेटाबोलिज्म, जो हमारी बॉडी में एनर्जी और मेटाबोलिज्म जो पाचन वगैरह होता है उसको ठीक करता है ये। तो इसके दो ही यूज़ होते हैं मेनली, जब मेनली तो इसका यूज़ होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब जब थायरॉयड की कमी होती है। अब बात करते हैं कितनी टैबलेट इसको लेना चाहिए, तो ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा कि आपको वो 25 माइक्रोग्राम की प्रिस्क्राइब कर रहा है कि 50 माइक्रोग्राम की कर रहा है कि 100 माइक्रोग्राम की कर रहा है। बट इसको लेने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसको एम्प्टी स्टमक लिया जाता है, मतलब आपकी फर्स्ट मील, जैसे कि आप सुबह जितने बजे भी उठते हैं, तो जो आप खाना खाने से ब्रेकफास्ट करने से पहले इसको लेना है, मतलब इसको वाटर के साथ लेना है, ऐसे टी वगैरह के साथ नहीं लेना है, और इसको च्यू करके नहीं लेना, मतलब चबाना नहीं है इसको, डायरेक्ट एज इट इज़ लेना है टैबलेट को। तो ये तो हो गया इसको कैसे यूज़ करना है। अब बात करते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका मेन साइड इफेक्ट जो होता है वो पाल्पिटेशन होता है। पाल्पिटेशन मतलब इरेगुलर हार्ट बीट। इरेगुलर हार्ट बीट मतलब कि आपकी जो हार्ट बीट है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो वोमिटिंग, डायरिया, वेट लॉस, नर्वसनेस टाइप के साइड इफेक्ट्स आपको देखने के मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके क्या क्या प्रिकॉशन हमें लेने चाहिए। तो एल्कोहल के साथ यदि हम बात करें तो एल्कोहल के साथ ये सेफ़ नहीं होती है, इवन ये नहीं, कोई भी मेडिसिन होती है वो एल्कोहल के साथ सेफ़ नहीं होती है, तो एल्कोहल के साथ इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में सेफ़ होती है, आप इसे ले सकते हैं। लिवर डिसीज एंड किडनी डिसीज में थोड़ा सा कॉशियसली इसको यूज़ करना चाहिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि इसको लें कि नहीं लें, क्योंकि एक्चुअली लिमिटेड डाटा अवेलेबल है, तो डॉक्टर आपका डोज एडजस्ट करेगा यदि कोई भी आपको इससे प्रॉब्लम होगी तो। अब बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो थायरोक्सिन थायरोक्स 25 mcg है, इसका प्राइस होता है 194.55, अराउंड 195 रुपीज़ का ये होता है, और इसमें 120 टैबलेट्स, 120 टैबलेट होती हैं। ये तो एक्चुअली मेरे पास गवर्नमेंट सप्लाई की है, इसमें 100 टैबलेट होती हैं, इसमें प्राइस तो नहीं दिया हुआ है, बट नियरली 195 समथिंग ही ये अवेलेबल होती है मार्केट में, और ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल होती है, आप इसको वहाँ से परचेस करते हैं। आई होप गाइस ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, यदि हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।